नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे पूड़ी की खीर। शायद आप पहले इसको कभी नहीं खाए होंगे। अक्सर हमारे पास पूड़ियाँ बच जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करके खा लेते हैं, और या तो ज्यादा बच जाती है तो इसे हम किसी जानवर को दे देते हैं। खाने का नहीं मन करता है तो हमारी पूड़ी जो होती है खराब हो जाती है। तो मैं आपको इसकी आज खीर बना के दिखाऊंगी जो बहुत टेस्टी लगती है खाने में, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। प्रभास्वी की इंग्लिश रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो ये हमारे पास चार पूड़ी बच गई है। हमने पूड़ी बनाई थी सुबह का टाइम, तो हमें क्या करना है, इसे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। जितना छोटा या बड़ा आप चाहें काट सकते हैं। इसे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। तो मैंने पूड़ियों को काट लिया है, आप चाहें इसे हाथ से भी छोटे टुकड़े में काट सकते हैं। तो इधर मैंने गैस पर पैन रख दिया है और उसके अंदर हम डालेंगे एक गिलास फुल क्रीम दूध, और इसे हम अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। तो दूध हमारा अच्छी तरीके से उबलने लगा है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो हमने 2 चम्मच शक्कर लिया है, मीठा और पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर इसे डाल देते हैं, और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 इलायची, मैंने इसे तोड़ लिया है, और 2 लौंग डाल देंगे। इसमें इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और हमने लिया है 1 चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर, अगर आपके पास है तो ही डालें, बिना इसके भी ये खीर बहुत अच्छी बनेगी, ये ऑप्शनल है। तो हम इसमें डाल देंगे दूध, 2 बड़े चम्मच दूध डाल देंगे, और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है, तो अब इसे हम दूध में डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे, जिससे इसमें गुठलियां ना पड़े। इससे दूध हमारा गाढ़ा हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसमें हम उबाल आने देते हैं। तो दूध में हमारे अच्छी तरीके से उबाल आ गया है, और मैंने इसे 2 मिनट तक मीडियम आंच पर पका लिया है। तो अब हम इसके अंदर ये पूड़ी डाल देंगे जिसे मैंने पहले से काट करके रखा है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से उबलने देंगे। तो मैंने इसे 3 मिनट तक पका लिया है, और आप देख सकते हैं दूध हमारा काफी गाढ़ा हो गया है और पूड़ी अच्छी तरीके से पक गई है। हम एक दबा करके देखेंगे, ये आसानी से टूट रही है। तो बस और ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, क्योंकि दूध के अंदर अभी और देर तक रहेगा तो पूड़ी हमारी और अच्छे से गल जाएगी। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मैंने पिस्ता काजू बादाम काट लिया है, उसे हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। और हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पूरी की खीर बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। जिसको मीठा पसंद है उनको ये खीर बहुत अच्छी लगेगी, और जो बची हुई पूड़ियाँ हमारी हैं वो भी काम में आ जाएंगी। तो इस तरीके से इसे हमें बना लेना है। तो बस हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे बाउल में निकालते हैं। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया दूध हमारा, इसका टेक्सचर और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आपको अब बची हुई पूरियों को फेंकना नहीं पड़ेगा। आप क्या करते हैं, गर्म करके खा लेते हैं या फिर इसे चाय के साथ खाते हैं। तो एक बार इसे इस तरीके से खीर बनाकर खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऊपर से इसे हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पास जो पूड़ियाँ बच जाती हैं उसे आप क्या करते हैं। तो एक बार आप इसे इस लाजवाब खीर को बनाकर खाइए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी पूड़ी की खीर कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।